अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पसिंदे। तो देखिए हमारे पास ये 3 पाव पसिंदे हैं। देखिए हमने इस तरह से इसे बना कर लिए। देखिए इसे पसिंदे कहते हैं। ये ऐसे हमने पसिंदे, ये 3 पाव हैं। और ये हमारे पास 150 ग्राम खोपरा है, 200 ग्राम दही है और ये 3 मीडियम साइज के प्याज है। हमने इसे गोल्डन फ्राई कर लिए। और ये हमारे पास 3 टीस्पून चारोली है, 3 टीस्पून खसखस है, 2 टीस्पून धनिया है, 10 से 15 काली मिर्च है। तो हम ये मसालों को भून लेंगे। देखिए हम सब में पहले धनिया और काली मिर्च डाल देंगे और इसे हम गोल्डन कर लेंगे। देखिए धनिया और काली मिर्च अच्छे से गोल्डन हो चुकी है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और अब हम ये खसखस को भी गोल्डन कर लेंगे। देखिए ये खसखस भी अच्छे से गोल्डन हो चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब हम ये चावली और खोपरा एक साथ भून लेंगे। देखिए चारोली और खोपरा अच्छे से भून चुका है। अब हम इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए हम एक जार लेंगे और ये जार में हम खसखस, खोपरा और धनिया डालकर पीस लेंगे और हम उसके साथ ये प्याज भी डालकर पीस लेंगे। देखिए हमने मसालों को अच्छे से पीस लिए। अब हम इसे एक साइड में रखेंगे और अब हमें बघार की तरफ चलेंगे। देखिए हमने एक भगोना लिया है और इसमें अपने हिसाब से हमने तेल डाल दिए और अब हम इसमें पसिंदे डाल देंगे। देखिए हमने सारे पसिंदे तेल में डाल दिए। अब हम इसमें अपने हिसाब से नमक डालेंगे। इसमें हम 3 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। हम 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 2.5 टीस्पून हम लाल मिर्च डालेंगे, 1/2 हरी मिर्ची और हल्दी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अब इसमें हम दही डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने दही को अच्छे से मिक्स कर लिए। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। इसे भी हम गोश्त में मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने सारे मसाले डाल दिए और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम ढककर रख देंगे 15 मिनट के लिए। हम 15 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। देखिए इसे 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक करेंगे। देखिए अभी गोश्त नहीं गला है और मसालों से अभी कच्ची वो आ रही है। अभी हम इसे अच्छी खुशबू आने तक के और गोश्त गलने तक के इसे हम भूनेंगे और अभी हम इसे 10 मिनट तक के ढककर रख देंगे। देखिए इसे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक करेंगे। देखिए अच्छे से भुन चुका है और मसालों की बहुत अच्छे से खुशबू आ रही है और ये हमारे पसिंदे भी देखिए गल चुके हैं। ये बहुत अच्छे से गल गए। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। ये हमारे पास 1 टीस्पून गरम मसाला है और हम इसे गरम मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारे पास 1 मुट्ठी कोथमीर है, हम वो भी डाल देंगे। पुदीना भी डाल देंगे और ये पुदीना आप इसमें ज़रूर डालें। पुदीने से इसमें बहुत अच्छा सेंट आता है पुदीने का। ऐसे हम मिक्स कर लेंगे और इसमें नमक वगैरह सब बहुत अच्छा है
अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हम इसे सर्व कर देंगे। देखिए हमारे पसंदे बनकर तैयार हो चुके हैं। और रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ दुआओं में, याद रखना। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक अच्छी रेसिपी के साथ।